नमस्कार, स्वागत है आपका अमर इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। एलोपैथी और डॉक्टरों पर दिए गए बयान को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को खत लिखकर बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की मांग की है। आईएमए ने आरोप लगाया है कि रामदेव बाबा की तरफ से कोरोना टीका को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिए गए हैं। उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर भी विवादित बयान दिए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखे खत में कहा है कि वैक्सीन पर पतंजलि के मालिक रामदेव बाबा के गलत सूचनाएं देने वाले अभियान को रोका जाना चाहिए। जैसे कि एक वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मर गए। रामदेव बाबा ने ऐसा आखिर कैसे कह दिया? इसके अलावा रामदेव बाबा पर देशद्रोह के आरोप के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। आईएमए ने बुधवार की सुबह ही रामदेव बाबा को 1,000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भी भेजा था, जिसमें कहा गया कि रामदेव अपने बयान के लिए लिखित माफी मांगे। नोटिस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से लिखा गया था कि अगर रामदेव बाबा अपने बयान के विरोध करने वाला एक वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं और अगले 15 दिन के भीतर लिखित माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनसे 1,000 करोड़ रुपये की मांग की जाएगी। उधर रामदेव बाबा ने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ओपन लेटर जारी करते हुए एलोपैथी को चुनौती दी है। रामदेव बाबा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को खुले खत में 25 सवाल भी पूछे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।